सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं? तो बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो है एंटॉर्क के ऊपर। यार, उसको चलाने में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, उसके क्लच में जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। मतलब इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है कि मज़ा नहीं आता चलाने में। तो आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, इसको किस तरह से ठीक करना है, ठीक है, और वाइब्रेशन क्यों आता है, ये सारी हम बातें बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से एंटॉर्क के पास चलते हैं, अपने स्कूटर के पास, और उसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखो कितना गंदा हो रखा है, और इसको हम वॉश वॉश करेंगे सारा वगैरह, क्लच वगैरह ये सब खोलेंगे। ठीक है, देखेंगे कि बेल्ट की कंडीशन कैसी है, तो उसके हिसाब से चेक करते सब कुछ। ठीक है, तो गाइस जो इसके क्लच हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, अभी बहुत बढ़िया हैं। देख लो इनकी मोटाई, ठीक है, तीनों की काफ़ी अच्छी है। सो गाइस बेल्ट भी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्के से इसमें, ये देखो इसमें हल्के से क्रैक आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है इतना तो। नई बेल्ट है, थोड़ा बहुत चलने के बाद भी ऐसे ही होता ही है। सो गाइस ये जी आगे का जो बैरेटर वाला बोल्ट है, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे। गाइस ये ओपन हो चुका है, ठीक है, तो ये देख लेंगे हम। ठीक है, का बैरेटर देख लेते हैं अंदर। तो बस सब कुछ बढ़िया है, बट क्या है ये सूखा हुआ है, और रोलर भी देख लेते हैं, रोलर वगैरह देख लो सही हैं, कहीं कटे नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने पेट्रोल पाइप डाल ली है, ठीक है, फ्यूल टैंक के अंदर, और यहीं से हम उसको खींच के इसको क्लीन करेंगे, जितना भी इसमें डस्ट वगैरह ऑयल वगैरह जो है, इन सारे जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, इन पार्ट्सों को भी सब क्लीन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, मैं इसको क्लीन करता हूँ। ये एक ये खाली कोलगेट का ब्रश, ठीक है, जो ख़राब हो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो एकदम क्लीन हो चुका है, बढ़िया से एकदम क्लीन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो गाइस तो चालू करते हैं। तो इसमें देखो वाइब्रेशन होने की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ग्रिस नहीं होती, ठीक है, मतलब ये ड्राई होता है बट इसमें हल्की हल्की ग्रिस लगाई जाती है, ठीक है, और अगर ये बिल्कुल भी इसमें ग्रिस नहीं रहेगी तो रोलर ढंग से काम नहीं करेंगे, वाइब्रेशन होगा, पिकअप नहीं आएगा गाड़ी में, ठीक है, पिकअप वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो माइलेज में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, काफ़ी चीज़ में फ़र्क पड़ता है वाइब्रेशन से, क्योंकि इंजन स्मूथ नहीं होता। लगाने के बाद इसको हम फिट करेंगे, सब कुछ अच्छा से हो जाएगा, तो इसका इंजन है रिफाइंड सा हो जाता है, तो वो चलाने में कुछ बहुत अलग मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर इसको हम ग्रीस व्रीस लगाते हैं। हमें ग्रीस ज़्यादा नहीं लगानी है, हल्की हल्की लगानी है, जब अगर ज़्यादा लगा दोगे तो फिर इसमें वाइब्रेशन चालू हो जाएगी, धड़ धड़ आएगी गाड़ी आपकी। बहुत कम कम लगानी है आपने, इतनी लगानी, देख लो जरी सी, बहुत हल्की सी लगानी है, ऐसे घूम सके, इसमें मूवमेंट कर सकें, ठीक है। और ग्रीस लगाने का फ़ायदा ये भी है, रोलर में और इसके बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे रोलर को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना रोलर कटते हैं और ना ये क्लच का बैरेटर कटता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ग्रीस लगाते हैं हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो आप देख लो किस तरह से लग रही है, हल्की हल्की लगानी है, ठीक है, और हर एक मूवमेंट्स वाले पार्ट्स में ग्रीस लगानी जिसमें मूवमेंट होते हैं। और रोलर लगाते हुए सबसे खास तौर मेन चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे प्लास्टिक का नहीं है इसका कवर, ठीक है, इधर कवर हो रखा है, तो ये कवर वाला हिस्सा हमेशा इसके इस साइड आएगा, ठीक है, इस तरफ, इस वाले में, यानी इस वाले में ऐसे, ठीक है, इसका भी एक रीज़न है,
क्योंकि यहाँ लगाएंगे फिर ये यहाँ से जो इसका ये घिसने लगता है, इसलिए कंपनी ने इस साइड इसलिए दिया ताकि ये इसमें घिसे ना। ठीक है, एक इस साइड फिर दूसरा इस तरफ ऐसे करके लगाना है। ठीक है, आप देख लो। तो सारे रोलर इस तरह से लगा देंगे हम। क्योंकि अगर आप पहली बार क्लच खोलेंगे तो उसमें रोलर में ज़रूर ध्यान देना, ये चीज़ इस तरफ होता है। ठीक है, जहाँ ये होता है इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इसमें हल्की हल्की ग्रीस इसलिए लगाते हैं क्योंकि फिर ग्रीस जो है फिर जब इसकी जब ये स्पीड पकड़ता तो ग्रीस जो बेल्ट में आने का चांस रहते हैं, क्लच शू में आने का चांस रहते हैं, दोबारा खोलने की प्रॉब्लम पड़ेगी, दोबारा खोलना पड़ेगा आपको, फिर उसमें वाइब्रेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए ग्रीस में हल्की हल्की लगानी है। ये वी शेप ऊपर की साइड रहेगा और यू शेप नीचे की साइड रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। और गाइस इसमें भी ग्रीसिंग लगा लेंगे इन सब में। ठीक है, क्योंकि केक का है इसमें भी ग्रीसिंग होना ज़रूरी है। तो गाइस इसको जब आप इसको फिटिंग करेंगे आपकी, क्योंकि आपके हाथ में ग्रीस लगी होगी, तो उसको लगाने के बाद अगर आप इसमें लगा दोगे तो उसके बाद में आप कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि रोलर अंदर निकले ना, क्योंकि रोलर निकलने के चांस होते हैं। साफ कर लेते हैं। सो दैट बेल्ट, ठीक है, बेल्ट में ग्रीस लगा ली है अंदर। ठीक है, मैंने इसके अंदर ग्रीस लगा ली है और ग्रीस इस तरह से लगानी है ताकि ये बाहर ना आए। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बेल्ट कभी भी बैठाओ तो पहले यहाँ रख के, ठीक है, उसको यहाँ से इसको खींच लेना, एक हाथ से ऐसे पूरा दब जाएगा, बेल्ट इसके अंदर आ जाएगी, पैर से आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो आ चुका है इसके अंदर, बहुत ईजीली हो जाता है, इसमें रिंग वायर मारना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। ठीक है, रिंग वायर से इसको घिस लेना है, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इसका कोई लोग कटोरा, क्लच कटोरा बोलते हैं, आप बोलते हैं, काफ़ी लोग कुछ अलग अलग बोलते हैं, कि नट वट लगाते हैं। अच्छे से टाइट कर लेना, लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, चलते चलते ये चीज़ खुलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो गाइस इसको स्टार्ट करना पड़ेगा हमको बेल्ट टाइट करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसको फिटिंग विटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो गाइस आप समझ गए होंगे कि वाइब्रेशन और पिकअप की प्रॉब्लम के लिए इससे माइलेज में भी फ़र्क पड़ता है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये इसमें जो रोलर होते हैं इसमें अगर ग्रीस ना हो तो ड्राई हो जाता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है, और वाइब्रेशन से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो माइलेज से लेके वाइब्रेशन से लेके हर चीज़ से लेके इसमें फ़र्क पड़ता है, और चलाने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। पिकअप में तो खास तौर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा पिकअप होता है वो ढंग से पकड़ता नहीं है, तो इसीलिए सब चीज़ जो उसमें ग्रीसिंग वगैरह करते हैं तो इसीलिए करते हैं, इसका क्लच सर्विसिंग बोलते हैं। और ये हर CVT जो स्कूटर होते हैं, ट्रांसमिशन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो स्कूटर होता है, एक्टिवा, जुपिटर, जो जितने भी ऐसे स्कूटर होते हैं, इन सब में यही प्रॉब्लम होती है। अगर वाइब्रेशन हो तो आप क्लच को आप इसको सर्विस कर सकते हो, ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह कर सकते हो। चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ कहाँ कैसी लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार शेयर कमेंट जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, और कुछ नहीं, जल्द से जल्द मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल बड़ा हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें ला, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, बहुत सारी वीडियो हैं। ठीक है, तो मैं आपको तभी ला के दिखाऊंगा जब तक मैं थोड़ा इंक्रीज ना हो जाए, मेरे चैनल को थोड़ा बड़ा ना हो जाए, तो तब जाके तो तभी मुझे अच्छा लगेगा, और आप जरा अगर सपोर्ट करोगे तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे,
इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करना, जरूर सपोर्ट करना। अगर आपको इसको कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।